गुंडी गुंडी के बापू देखना इस बार लाल का ही आएगा। अनोटी निकली तो निपटा देंगे। घाघरा पलटन नहीं चाहिए हमें इस घर में। तो फाइनली दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की एक और फिल्म जयेश भाई जोरदार अपना लक आजमाने को रिलीज हो चुकी है। और इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस की तरफ से किस तरह का रिस्पांस आज अपने पहले दिन मिला है, क्या यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही KGF चैप्टर 2 और डॉक्टर स्ट्रेंज को टक्कर दे पाई है या नहीं, और इस फिल्म का दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन का जो कलेक्शन है वो कितना हो चुका है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों यहां पर KGF चैप्टर 2 के 30 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, सरकारुवारी पाता के शुरुआती दो दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के 8 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और जानने वाले हैं दोस्तों कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस की बाजी कौन मार रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे और सिनेमाघरों में मूवीज देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं हॉलीवुड की बिगी फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे के रिलीज किए आज 8 दिन हो चुके हैं और इन 8 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दोस्तों बताते चले आपको कि सैम रेमी के डायरेक्शन में बनने वाली एक सुपर हीरो फिल्म है डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जिसके लीड में आपको बेनेडिक्ट कंबरबैच और एलिजाबेथ ऑल्सन नजर आई है। लगभग $250 मिलियन के बजट से बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते लगभग 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 36 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ली। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई करती हुई नजर आई और अपने शुरुआती 3 ही दिनों में इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर तो लगभग 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था। तो वहीं दोस्तों अपने पहले हफ्ते को खत्म होते होते दोस्तों ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर भी 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो 100 करोड़ का हो चुका है। ये फिल्म दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 122 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और अपने पहले ही हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के 8वें दिन यानी कि आज के कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज इस फिल्म के सामने KGF चैप्टर 2, तेलुगु में सरकारुवारी पाता और हिंदी में दोस्तों जयेश भाई जोरदार रिलीज हो चुकी है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के आज के जो कलेक्शंस है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आ रहे हैं और ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 103 करोड़ और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर 125 करोड़ रुपए का आंकड़ा आज पार कर चुकी होगी। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो $540 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है और दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म जयेश भाई जोरदार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे के रिलीज किए आज एक दिन हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के एनर्जेटिक सुपरस्टार यानी कि रणवीर सिंह की ड्रामा फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज लगभग 2000 से 2500 स्क्रीन पर रिलीज कर दिया गया है, जिसके लीड में आपको रणवीर सिंह के अलावा शालिनी पांडे, दीक्षा जोशी, अपार शक्ति खुराना और बोमन ईरानी नजर आने वाले हैं। दोस्तों बताते चले आपको कि मात्र 60 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली यशराज फिल्म्स की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले दिन तो 2,55,00,000 रुपए की ही एडवांस मिल पाई थी, जो कि एक तरह से रणवीर सिंह की किसी फिल्म को मिली हुई अब तक की सबसे कम एडवांस है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल चुका है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म का जो कंटेंट है उसे देखते हुए दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले दिन कुछ खास ओपनिंग लेते हुए नजर नहीं आ रही। दोस्तों बताते चले आपको कि रणवीर सिंह की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले दिन मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी मिली है 12 से 15% की। आफ्टरनून में दोस्तों इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है उसमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से रिव्यूज काफी अच्छे मिल रहे हैं। इस इमोशनल ड्रामा फिल्म में दोस्तों एक बार फिर से रणवीर सिंह ने अपने एक्ट के साथ दिल जीत लिया है और यही वजह है दोस्तों कि रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले दिन तो जहां 4 से 4.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन है वो लगभग 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अब बात कर लिया फिल्म सरकारुवारी पाता के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारुवारी पाता जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म का डायरेक्शन किया है परशुराम ने। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको महेश बाबू के अलावा कृति सुरेश और वेनिला किशोर नजर आने वाले हैं, जिसे कि मात्र 60 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया था। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म का
प्रोडक्शन तो काफी बेहतरीन है, लेकिन इस फिल्म की जो स्टोरी है वो ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रही। सरकार वारी पाता को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, और यही वजह है दोस्तों कि महेश बाबू की इस फिल्म ने जहां अपने पहले दिन तो महेश बाबू के स्टारडम की वजह से लगभग 53 करोड़ रुपए की ऑल इंडिया ग्रोस कमाई की और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ से ज्यादा बड़ी ओपनिंग ली। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों अपने पहले दिन ही हिस्टोरिकल ओपनिंग लेने वाली सरकारुवारी पाता की जो दूसरे दिन की एडवांस है वो लगभग 9 करोड़ रुपए की रही है, जबकि दोस्तों इस फिल्म की पहले दिन की जो एडवांस थी वो 21 करोड़ रुपए की रही। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में अपने दूसरे दिन एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, और यह फिल्म आज अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आज इस फिल्म का कलेक्शन लगभग 22 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यह फिल्म अपने शुरुआती 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 87 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी, और 60 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 125 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 150 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों बात कर लिया यहाँ पर फिल्म KGF चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही, और आज अपने 5वें हफ्ते की शुरुआत भी दोस्तों इस फिल्म ने काफी धमाकेदार अंदाज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर की है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म KGF चैप्टर 2, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ली थी और दुनिया भर में 170 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी, अपने शुरुआती 3 दिनों में ही दोस्तों ये फिल्म 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। 4 दिनों में दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 546 करोड़ रुपए के दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रहे। बताते चले दोस्तों आपको कि ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी पसंद किया, इस फिल्म का एक्शन ऑडियंस को काफी पसंद आया है, सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, रॉकिंग स्टार यश का एक्शन, उनका स्वैग, हर तरह से दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए परफेक्ट फिल्म रही, और यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में 750 करोड़, दूसरे हफ्ते में 997 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 1115 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया था। अपने 4थे हफ्ते में भी दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन आउटस्टैंडिंग रहे और इस फिल्म ने अपने 4थे हफ्ते में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1172 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल फीट है, और इस फिल्म ने दोस्तों RRR जैसी बिग बजट फिल्म को भी पीछे कर दिया। बताते चले दोस्तों आपको कि ये इस फिल्म का 5वां हफ्ता है और आज भी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1500 से 1800 स्क्रीन पर चल रही है, जहां पर आज ये फिल्म दुनिया भर से 3 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 1175 करोड़ रुपए का दुनिया भर में हो चुका होगा, लेकिन दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर आज भी लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है, जो कि दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो काफी अच्छा कलेक्शन है अपने 5वें हफ्ते के बाद भी। और ये फिल्म दोस्तों जयेश भाई जोरदार को आज भी काफी टफ कॉम्पिटिशन देती हुई नजर आ रही है, और उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म इस हफ्ते जयेश भाई जोरदार के बराबर की कमाई कर ले। आपको दोस्तों क्या लगता है, इन चारों ही फिल्मों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस की बाजी इस हफ्ते मारेगी, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।